अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नाजरीन, मैं थोड़ा होस्ट असमतुल्ला न्याजी, और इस वक्त एक बहुत ही पुरफिजा और बहुत ही अच्छी जगह पे मौजूद हाँ। देहाती माहौल है, मेरे नाल एक मेहमान शख्सियत मौजूद है। सोशल मीडिया ते और वैसे भी कमर मुशानी ने हिरद गवाह जितने भी लोग मौजूद हैं उन्होंने को बड़ी अच्छी तरह सहने। मेरी मतलब है कि असलम खान नियाजी, आप साबिक मेंबर इन पंजाब सर्विस कमीशन, पब्लिक कमीशन ने आपको बहुत सारिया जो फील्ड इन जिंदगी ने उन्होंने बड़ा तजर्बा है और उन्होंने बड़ा इलम है। उन्होंने आज ऐसा प्रोग्राम गपशप ने बिच गप लसा ते उन्होंने को साडा आज टॉपिक के सिविल सोसाइटी। जाहिर है जितनी दुनिया है जेरी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने लोग जेरे वो सोसाइटी जेरी दिन वो उन्होंने अलहदा शहर इलाका ने बिच सिविल सोसाइटीज ने ग्रुप होने जेरे के वो रल के ते जेरे हुकूमती इदारे उन्होंने रल के ते अवाम ने जेरे मसायल इन हल करें। ता असलम खान चूंकि सारे कमर मुशानी सिविल सोसाइटी ने उन्हें बुनियाद रखी है थे गुजश्ता एक साल तो वो बड़े एक्टिव हैं इस मामले जो लोगों ने मसायल हल करना चाहें। ता जी सर जी, तो सिविल सोसाइटी ना जरा बेसिक कॉन्सेप्ट है तरक्की यानी याफ्ता ममालिक ने बिचे वो कह रहे थे सिविल सोसाइटी किस किस्म का रोल अदा करेंगी उन्होंने कौमों ने बिचे। देखो जी, असमतुल्ला खान, पहली तो गल है कि जेरे भी साको दोस्त अहबाब बुजुर्ग सारे बच्चे नौजवान जेरे सुनने पैन उन्होंने को मेरा बहुत बहुत सलाम प्यार। देखो जी, असमतुल्ला खान, जेरी सिविल सोसाइटी है ना, वो मेरा जाती ये ख्याल है कि सिविल सोसाइटी उस वक्त वजूद च आ गई है जेल दो एक तो दो बंदे बने, क्योंकि कोई जी इंसान है ना वो किसी दौर च अगर है ना तो समाज च रहा है। बिल्कुल और तुसा ये वे तुसा ग्रीक अगर देखो फिलोसफी तो उसने दो गल्लां कीतियां ने अरिस्टोटल, जरा कि बहुत बड़ा अरस्तू फिलोसफर है, और उसनी तालीमात जरिया वो मुसलमाना से भी बड़ा उसने इम्पैक्ट आई, क्योंकि अरस्तू सैकड अरस्तू अगे ने इबन रुशद को, इबन रुशद एक बहुत बड़ा नाम है इस्लामिक फिलोसफी ने बेचे उन्दले से जान, और उन्होंने यूरोप ने बेचे अरस्तू को इंट्रोड्यूस कराने वाले वो अपना इबन रुशदन। अरस्तू ये आखाई क्योंकि उस वक्त अरस्तू ने दौर इतने बिच जी ग्रीक आई जरा यूनान आई वो सिटी स्टेट्स ने बिच डिवाइड थे होया कि छोटी छोटी सिटी स्टेट्स होनिया और उन्होंने बिच वो डिवाइड थे, और सब तो जी स्ट्रोंग सिविलाइज सिटी स्टेट आई वो एथेंस नहीं आई जरा हूँ भी यूनान कैपिटल है। ये सर केरे दौर नहीं गाले ये जेरी हजरत ईसा सन अलैहि ठीक सलाम तो 300 साल कबल मसीह नहीं गल है। लगो भाग उस ए आगाही के जरा इंसान है वो पॉलिटिकल एनिमल भी है और सोशल एनिमल भी है, यानी तुसा समाज तो बगैर थोड़ा कोई वजूद को नहीं, और अगर तुसा जल्द समाज जराने हो तो जाहिर है तुसा चाहो या ना चाहो तो समाज ने नाल थोड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट है पैदायशी तौर जी पर, हाँ बिल्कुल तुसा वजूद जल्द आने हो तो समाज ने नाल थोड़ा एक ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट मैदा थी है ना। ऑटोमेटिक मायदा है, बिकॉज के तुसा उस देखने हो ना थोड़े वालदैन उन्होंने चीज़ें नहीं बगैर रिटन, यानी वो कोई रिटन लॉ को ना सोसाइटी ने उस जी तरह ने, लेकिन वो उस तरीके नाल उन्होंने पाबंदी शुरू कर रहे हैं, तो तुसा भी इर्द गिर्द दे देखने हो तो तुसा भी उसे तरीके नाल उस सोसाइटी ने उसे मैदे में मायदे डरा जो रहे हो हैं ऑटोमेटिक। जी हाँ, और उस सोसाइटी ने बिच अगर तुसा कितना वायलेशन देखने हो चाहे वो लॉ नहीं वायलेशन होनी है या वैसे लॉ नहीं वायलेशन ना भी हो तो लोग उसको कंडेम करें कि जी ये सही नहीं थे, इस वास्ते तुसा सोसाइटी जेले तुसा कॉन्ट्रैक्ट ते चाहने हो तो जाहिर है तुसा कई चीज नाल कॉन्ट्रैक्ट करने हो तो दुहाई तरफ वो ऑब्लिगेशंस क्रिएट थी नियां, यानी कॉन्ट्रैक्ट ते जोना के है कि दो बंदे अगर कॉन्ट्रैक्ट करने हैं वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने तहत जी कह तो ऑब्लिगेशंस क्रिएट थी नियां कि तुम्हारे फरज आवे ने, रहे तो हो सब इस वास्ते तुसा जेले सोसाइटी ने नाल कॉन्ट्रैक्ट ते जोने हो तो तुम्हारे नाल सोसाइटी ने बेचे कोई चीजा भी आ गई। अच्छा, बिल्कुल सिटी स्टेट की जी मैं गल करना पाया ना जी, उत्थे बड़ा इंटरेस्टिंग जी गल आई वो ये आई कि हर बंदा जरा ना सिटीजन नहीं, अच्छा यानी कि हर बंदा सिटीजन को नहीं, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेसी ने जरा पहला मॉडल ही वो ही है कि बहुत सारे लोग जरे सिटीजन सन
उस सिटी स्टेट चूंकि छोटी सिटी स्टेट सन, पापुलेशन भी इतनी ज्यादा कौन आई, उस सिटी स्टेट ने विचे जी भी गुफ्तगु थी नहीं आई, वो सारे ही हिस्सा गिने और उन्होंने यूनैनिमस डिसीजन होना आई, यानी मुतफिक का फैसला समाज बा के करना आई। लेकिन चूंकि जिस वक्त तो मुल्क बदने गए, कॉन्टीनेंट बदने गए, आबादी बदने गई है, तो लोगों ने मसायल भी मुख्तलिफ तरीके नाल बदने गए। इस वास्ते जिस वक्त मसायल बदन और नाल जमहूरीत भी आ गई है कई मुल्क मुल्कों ने विचे, तो उत्थे उन्होंने दिखा है कि हाले भी यानी समाज ने जरूरत पौनी आई, सोशल अकाउंटेबिलिटी नहीं बहुत जरूरी थी, समाज ही जवाबदेही करे। किन्ने मिसाल ने तौर दे, अगर कोई तुसा लैंड च नाओ खलोते, यूरोप ने कहा सिविलाइज मुल्क ने विचे क्यों ही तुसा नाओ, तो थोड़ा को पुलिस वाला आ गया ना पूछसी, नाल वाले बंदी थोड़ा को आप पूछ सुन के आर यू इन द क्यू, थोड़ा को खुद शर्मिंदा करे सुन के तुसा क्यू ही छो, इराक ते हमला थे आई और लेबर उस वक्त लेबर पार्टी की हुकूमत आई, ब्लेयर ब्लेयर आई टोनी ब्लेयर, टोनी ब्लेयर की हुकूमत आई, उत्थे लखां बंदे जो है निकले उसने खिलाफ, टोनी ब्लेयर ने हुकूमत की, तुसा को इराक ने विच ज्यादती करने पे, वो सारी सिविल सोसाइटी निकली, क्योंकि वो लोगों को पता है कि वो टैक्सेशन ते गल करे ने कि साडी टैक्सेशन किस तरह नहीं हो, साडे ते किस तरीके नाल गवर्नमेंट साडे खर्च करे नहीं पई है, क्योंकि बुनियादी तौर पर कि मैं अपने पढ़े लिखे दोस्तों नाल ए उन्होंने को कह सा कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्टिंग थ्योरी है जी थॉमस हॉब्स तो शुरू थी है, और उस वड्डा जरा सरखेल है वो जॉन रूसो है जरा के फ्रेंच फिलासफर है, और उसनी तालीमात की वजह तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया 1789 में। जॉन रूसो जी है उस ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी समाजी इमरानी मुआहदा स्टेट ने नाल, कि स्टेट को एक बंदा वाई शुड आई पे टैक्स, कि मैं टैक्स क्यों देव, मेरे को स्टेट क्यों जरा ने जेल छड़ गए, मेरे को स्टेट क्यों को फांसी ला देवे, स्टेट को मैं क्यों ये अख्तियार देव कि उस वायलेंट भी मेरे नाल हो सकनी है, मेरे से वायलेंस भी कर सकनी है, तो मैं इस स्टेट को अख्तियार क्यों देवा, तो वो कहना है कि इस स्टेट को अख्तियार ता ही दिता वन सकना है, वो भी कुछ देवे, यस वो भी स्टेट देवे, वो थोड़ा को पानी देवे साफ, थोड़ा को तालीम देवे, ठीक है जी, जितनी भी थोड़ा को लिविंग फैसिलिटीज हैं उस किस्म की, थोड़ा को सड़क देवे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देवे, थोड़ा को बिजली देवे, जो भी मौजूद, यानी ये सारे फराइज ते सारे हकूक नहीं रहे, स्टेट नहीं फराइज ते हकूक नहीं है, क्योंकि यो ही आपने हकूक अदा करे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ने विच ना स्टेट जेरी है ना वो ऑर्गेनिक एंटिटी है, यानी ये नहीं कि कोई खामोश चीज है, वो भी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक यानी जिंदा है, जिंदा है ऑर्गेनिक एंटिटी है, और इवॉल्व कर रही है यानी सोसाइटी ने नाल वो भी। अच्छा ये यूरोप जेले ए तालीमात और उत्थे फिलोसफर आए और साइंटिस्ट पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो लोगों ने जहन तो उत्थे सिविल सोसाइटी एक किस्म की सामने आई, कि वो लोग ये रखे ने कि भाई स्टेट को हर शह देने हैं, तो स्टेट क्यों नहीं साडा ये ख्याल रखे, सारा भी ख्याल रखे। हुण तुसां पाकिस्तान च देखो कि पाकिस्तान च डीप क्राइसिस है स्टेट ना और इंडिविजुअल सिटीजन ना, उन्होंने दरमियान क्राइसिस है, बिकॉज कि वो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अगर उसको साफ पानी पीना है तो वो बॉटल्ड वाटर गिनती और पैसे भरे थी, स्टेट उसको ना देसी। जापान ने बेचे, मैं जापान ने विजिट की थी, जापान ने विजे तो समझो टेप वाटर पूरे मुल्क ने विजे, गवर्नमेंट ऑफ जापान ने ऐलान है कि तुसा यू कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम एवरीवेयर यू वांट, यानी ये समझो मिनरल वाटर, तुसा गुसलखाने जगह बैठे हो तो तुसा गुसलखाने ने विच तुसा पानी साफ पी सकदे हो, स्टेट रिस्पांसिबल। अच्छा तुसा ये देखो कि कमर मुशानी ने विजे पिछले दूजा तीजा डेढ़ा एक बहुत बड़ा इशू उठो है जरा तुसा ही उठाया है, अहमद खान नजरी ख्याल और सैफ होना भी उठाया है कि जी ड्रिंकिंग वाटर उसने रंग ही कोई चीज दे उसे कीड़े आने कीड़े आने पैदा और ये वो और बाकायदा उधर जो सर वड़ा पेशाब नहीं वैसे पेशाब इसने मतलब है कि स्टेट और उसने विच जरा डेफिसिट है ट्रस्ट ना वो ट्रस्ट ना डेफिसिट दिन ब दिन वाइडन थी ना मेरे यानी लोग बदजान और जान हो गए इनके यार साको तो कुछ नहीं मिलना। अच्छा तुसा अच्छे स्कूल बाल को अगर पढ़वेंदे हो तो उठे ही तुसा जनाब जी हैवी पैसे दे सो जी हां बिल्कुल ठीक है ना जी पेट्रोल वगैरह तुसा है भी पैसे दे सो। अच्छा वो तुसा हर किस्म की पाकिस्तान ने टैक्सेशन दी नहीं भैया तुसा ये देखो कि इतना इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ने इतना ज्यादा है उसके अलावा तुसा सेल टैक्स देखो 18% है इतनी हैवी टैक्सेशन ने बावजूद कै बंदे को गवर्नमेंट की तरफ उसके कोई फैसिलिटीज नहीं मिली। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सारे सेटअप थे
एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ते साडा इजाद है सारा तो वड्डा जरा अफसर है और डिप्टी कमिश्नर है और डिप्टी कमिश्नर जनाब अली तुसा देखो कि लोगन इतने मसाइल फसे हो वो बाद का डाक इनन के देने फाइल भी इनन के देने सही गाल इन यार पुलिस ने जरा सिस्टम में उठे ही तो सारी अगर फाइल गई है तो तुसा आप पीछे वन बड़े हो और कहें को पैसे शायद देते ने फाइल निकला सी अदरवाइज फाइल को नहीं बिल्कुल यानी जिस गवर्नमेंट ने इदारे ने नाल अवाम ना रबता है तो अवाम भी इतनी आदि हो चुकी है कि उनको पता है जी कि बगैर पैसा ने सारा काम नहीं करना इस वास्ते और गांधनी तुसा सूरत हाल देखो म्यूनसिपल कमेटी ने तुसा देखो एक तो इन्हें सारे सियासी जो मौजूदा सियासी सेटअप है इन्हें सारे बलदियाती इदारा को इतना कमजोर कर छोड़ा है कि वो बेचारा कोई हिम्मत ही नहीं रही इस वास्ते वो भी बड़ा कमजोर है जान बोझ के जी मेरा ख्याल है बलदियाती निजाम को तो क्यों नहीं ने ने जी हूँ तो मकसद गए कि सर्विस डिलीवरी बिल्कुल जीरो जीरो इस हालात क्या अस चुप बैठ रहा या कोई छोटी मोटी कार्रवाई करा सारे बड़े मेहरबान यंग लड़के जेरे अपने सोशल मीडिया के बड़े एक्टिव हैं और वो रोजाना नहीं बुनियाद में होते सारे ये मसाइल जेरे मैं कहना वो उसको लाइन लाइट करें ज्ञान है लेकिन उसने हाल नहीं निकलना इस वास्ते नहीं निकलना कि वो एक इंडिविजुअल एक कमरे च बाह के कैफेट है तो मैं चाहना हम कि असा ये सिविल सोसाइटी जिन्हें असा हूँ कमर मशानी माशाल्लाह एक बड़ा पूल यंग लड़के जड़े बड़े एजुकेटेड लड़के जैसे जो इंजीनियर भी हैं जैसे डॉक्टर हैं जैसे लेक्चरर हैं जैसे टीचर हैं जैसे जो हर मतलब तबका है फिक्र दुकानदार हैं माशाल्लाह लोग इतने बड़ा जमींदार हैं लोग बड़ा खुशहाल है तो मैं इस चक्कर जम के इस दफा पिछला सा इजलास किया तो मैं इस हिसाब जम भाई इंट्रोडक्टरी यानी तारफी इजलास है लेकिन सारे कई जो यंग लड़के हैं वो बड़ी उन्होंने ख्वाहिश है कि सारे मसले लाइमलाइट करना तो मैं ये कहना कि उस वक्त तक मसले हल नहीं थी सकते जितने तक सारा कोई सेक्रेटेरिएट ना हो इस वास्ते सारा हूँ जरा कल इजलास है तो सारे लोग जो कि सारे सिविल सोसाइटी एक्टिव हैं या नहीं तो मैं उन्होंने सारा को दरखास्त करे सा कि कह नहीं कोई इंडिविजुअल सफेद पोशी वाली गल कौन तुसा आओ कोई पोलिटिकल फोरम भी नहीं ये बिल्कुल एक समाज ना फोरम है तो तुसा अपनी कंट्रीब्यूशन करो और दिल छोटा ना करो इस वास्ते कि गवर्नमेंट ने इदारा को इस वक्त काम कराना वो बड़ा ही मुश्किल है तुसा खुद थोड़े सामने सारे पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क बहुत ज्यादा है महंगाई ने एक तूफान बपा है और गवर्नमेंट ने कुछ पता नहीं लगना पे कि गवर्नमेंट है कितने इस वास्ते साको पहले अपनी तंजीम साजी कोई दफ्तर गिन गिना पढ़े लिखे बंदा ने एक पूल बना उस तो बाद कमर मुशानी ने जितनी मसायल हैं यानी सलीका सैंड टाउन कमेटी ने मसायल हैं जेरे के सारे हाईलाइट हैं म्यूनिसिपल कमेटी ने इनएफिशिएंसी आको जो उन्होंने बेचारगी आको वो एक अलग गल है वो सारे मसायल ने होते असा जरा इंक्रीमेंटल अंग्रेजी जगह ने एकदम नहीं थोड़ा जहा अपने आप को मजबूत करा साथ ताकि सारी टंगा जरा मजबूत हो फाउंडेशन मजबूत हो बात इंशाल्लाह अल्लाह ने हुक्म अगे वसा तो मैं इस वास्ते दोबारा दरखास्त करे सा कि तुसा सारे वास्ते नहीं या कैम वास्ते नहीं अपने जात वास्ते और अपनी कमर मुशानी ने मुहब्बत लिखाने वास्ते तुसा कल जरूर तशरीफ गिन के आओ ये कह नहीं एक बंदे नहीं सफेद पोशी नहीं गल कोनी इंशाल्लाह अपने आप को पेश भी करो जी कि असा काम करना चाहते हैं ताकि जेरे कल कोई जनरल सैकटरी हो गया खजानची हो गया नैब सदर हो गया चेयरमैन हो गया सारे बंदे असा बनसा ताकि वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करें जी बिल्कुल ये जी सिविल सोसाइटी है जाहिर है कि नॉन पॉलिटिकल नॉन प्रॉफिट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन तो है ना ये तो अपनी मदद आप है ये तो यानी समाज जितने असा मेंबर्स हैं जितने असा लोग आपस अपनी मदद आपने तहत आपस भी असा लोग मसायल हल कर सा और अगर कोई इदारे ने बिच कोई कह मसला फसो है तो असा उन्हें जल्द नाल खुल सा तो जाहिर इदारा हाल से भी प्रेशर हो सी भी ये बंदे काफ़ी सारे मौजूद हैं तो वो लोगों ने मसायल हल थी सुन तो लोगों को सारा को आना चाहिए और इंशाल्लाह ताला इस बात दफ्तर ने जगह जारी है ना वो अस देख की थी बाकायदा तौर पर एक दफ्तर हो सी उत्थे सिस्टम हो सी कंप्यूटर हो सी कंप्यूटर ऑपरेटर हो सी जरा कि लोग आ सुन तो उन्होंने दरखास्त जो लिख के दी सुन उसको परसू तो किया ना ये तो नहीं ना सोशल मीडिया मान फेसबुक से एक असं पोस्ट लाइए वो पढ़ के ते ओ, सो, कोई ये कोई यूरोप जो तो है ना भाई सोशल मीडिया से कोई पोस्ट लगी है क्या गलत काम नहीं तो कोई एजेंसियां कोई जरे सर्विस सर्विस करने वाले इदारे प्रोवाइड करने वाले वो उसको उतियों चाह के ते हल कर रहे सुन तो जाहिर है वो जितने तक पीछे कहें काम ने न लगो तो ये कोशिश जरा ना असलम खान साहब करें पैन अपनी थवा को जितने भी कमर मुशानी और उसने गिरद नवान लोग हैं जो पढ़े लिखे खास कर लोग हैं वो आन कल तकरीबन मेरा ख्याल है 2:30 बजे
ਅਢਾਈ ਵਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕਮਰ ਮਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨਾਂ ਦੂਜਾ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਮਿਲ ਮਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਬਾਰੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਅਸਮਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮਕੜਵਾਲ ਚੌਕ ਦੇ ਦਾਏ ਬਾਏ ਇਕੱਠੇ ਥਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦਸੰਬਰ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਆਈ ਗਾਲਬਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਲੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਲੂਸ ਜਲੂਸ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨਾਰੇ ਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਸਕੋ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਐਂਟੀ ਸਮੋਗ ਨੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਹੈ ਐਕਟ ਨੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਲੂਸ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਫੇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਥਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਕੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕਹਿ ਮਸਲੇ ਕੋ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਬਣ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾ ਕੋਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕ ਬਤਲੋ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾ ਕੋ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸੇ ਔਰ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਪਲਮਨੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੈਸਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਪਲਮਨੋਲੋਜਿਸਟ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜੈਕਟ ਸਾ ਕੋ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੀ ਸਲੀਕਾ ਸੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲੰਗਸ ਕੋ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕਿਆ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਕੋ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਸਟੱਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਥੀ ਗਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਸਮੋਗ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਹ ਸਾਗੋ ਐਗਜੈਕਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇਹ ਕੰਮ ਥੀ ਨਾ ਪਏ ਮੁਤਲਕਾ ਬੰਦ ਮੁਤਲਕਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਹੈਜ਼ਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਗੋ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਹੈਜ਼ਰਡ ਦੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੈਸਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣਾ ਔਰ ਕਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਵੀ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਡੇਟਾ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣੇ ਪੈਣ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸ ਏਰੀਏ ਜੋ ਆਉਣੇ ਪੈਣ ਕਿਸ ਏਰੀਏ ਜੋ ਆਉਣੇ ਪੈਣ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਚੈਸਟ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸੋਰ ਥਰੋਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਹੋਵੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਸਰ ਔਰ ਉਹ ਅਸਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋ ਭੇਜਾਂ ਔਰ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਸਾਂ 15-20 ਦਿਹਾੜਾ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂ ਵਕੀਲ ਕੋ ਅਸਾਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ ਉਹ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਉਹ ਵਧੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਤਨੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਲੀਕਾ ਸੈਂਡ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇਸ ਜਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਥੀ ਬਣ ਇਹ ਥੀ ਵੇ ਸੋ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਕੇਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਖੇਰਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਪੈਣ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਕਹਿ ਦੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਔਰ ਸਾਰੀ ਵੀ ਜਾਨ ਕੋ ਲਾਲੇ ਪੜਵੇ ਸਮਝੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਹਿ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਸਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਗੜ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰ ਕਹਿ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਾਵਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਗਿਣਨਾ ਔਰ ਉਸ ਕੋ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਔਰ ਅਫੈਕਟਿਡ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਕੋ ਇਹ ਪਤਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਨਾ ਲੱਗਤੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਪਿਆ ਕਿਆ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੀ ਡੈਪਥ ਕੇ ਉਸ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਟਰਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਕੁਇਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਵਾਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਿਨੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਾਢਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਐਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਡਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡਿੱਠਿਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ ਸੀਮਟ ਹੀ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਸੀਮਟ ਔਰ ਰੇਤ ਨਾ ਰੇਸ਼ੋ ਮੇਰਾ ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨਾਲ ਪੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਪੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਗੋ ਉੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪ ਲੱਗਣੇ ਪੈਣ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੇਡ ਵੀ ਲੈਣੇ ਸਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
लेकिन वो 1800 एंड समथिंग ना उन्होंने सीवरेज सिस्टम में वो कदाई लीक नहीं दिया और सारी 19वीं सदी हां 20वीं सदी ते दूजा तुसा एक गल कीती है ना कमर मशानी नहीं चेंज नहीं देखो पूरा पाकिस्तान जे रहा ना इस वक्त क्योंकि असा बहुत तेजी नाल बढ़नी हुई आबादी है और सारे आबादी जे पाक पंजाब इथे सारे को बड़ा मसला है एक और है कि पठान बहु आने पे जिन्हें सारे प्यो डाडे आए तो 400-500 साल पहले आया हूँ इतने बहुत ज्यादा पठान है उन्होंने नाल सारी आबादी बहुत ज्यादा बदनी पई है और ये सारे अपने ट्राइबल बेल्ट जी पुरानी होनी है उसने भी है इस खौफनाक आबादी ने बचे जरा है ना जरा कमर मशानी शहर आई जिथे अगे 10 मरलों का कहना मकान आई वो डू मरलों के बंदा रहना पे इस वास्ते तेजी नाल अर्बनाइज सोसायटी हो रही है अर्बनाइज सोसायटी ने फिर अपने प्रॉब्लम है उस वास्ते बहुत जरूरी है कि सिविल सोसायटी हो बस इस तो ज्यादा असमतुल्ला खान बाकी गल्ला इंशाल्लाह कल कर सा जी बहुत शुक्रिया जी जी इसी तरह बहुत सारे इशू है मदन सलीके साइड ने जरा डस्ट का सारा इशू है उस तो बाद गंदे पानी ने इशू है जरा पानी मतलब है कि इतना गंदा लोग पीना पे उस तो बाद सीवरेज ने मसाइल हैं मसाइल तो इतनी है उस तो बाद जनाब वाली टाउन कमेटी ने अपने यानी कि किराए नजरिए मार्केट थे उसने मसाइल हैं मसाइल इतनी है जहर बंदा एक एक करके कर सकना है इकट्ठा तो नहीं वो कर सकना हाँ ये है नाजरीन के जितने ही लोग सुनना पे इस फोरम ने तवसत नाल उन्हें को रिक्वेस्ट है साड़ी कि वो सारे जितने खास कर नौजवान तबका है वो आओ रल मिल के सारे नाल बहो और ये जरी सिविल सोसाइटी नी ताकत है इसको तुसा वधाओ अपनी रजिस्ट्रेशन कराओ ताकि कोई भी मसला होवे कहीं भी मसले तो थोड़ा को सजना पवे तो सारे आके हाँ ये कोई किसे किस्म नहीं इसने बिच नॉन पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इस कोई सियासत को नहीं इस कोई चुटपोशी को नहीं कोई पठानगिरी को नहीं कोई खानगिरी को नहीं कुछ किसी भी कोई भी पंथ पढ़ा लिखा बंदा कोई भी जरा लोग इतने आना चाहना है वो खुला फोरम है हर बंदा बराबर है हर बंदे ने बराबर गाल सुनी वैसी और उसको अगर उसनी गाल ठीक है तो उसको फोकियत लेती वैसी हर बंदा कोई नवा आइडिया पेश करना चाहना है कमर मशानी ने तरक्की वास्ते कमर मशानी ने अवाम ने मसाइल हल करन वास्ते तो उसको फोकियत दीती वैसी जितने भी सिविल सोसाइटी ने ओ दिन ओहदेदार बनाए हुए सुन उस वास्ते भी कोई क्राइटेरिया को नहीं जरा बंदा विलिंगली ऑनरेरी तौर पर आके तो वह काम करना चाहना है अपने इलाके वास्ते अपनी मिट्टी वास्ते अपने शहर वास्ते तो मेरा ख्याल है को साको जरूर आना चाहिए वक्त बड़ा बदल चुका है असलम खान बैठे ने ना पुराना दौर भी दिखा है ते नवा दौर भी देखने पैने तो दरम्यान आला पुल है जरा माजी ते हाल ने दरम्यान है जेके ना दोए सोसाइटियां दोए समाज दिखे और असलम खान इस गल को जरा ना तस्दीक करे सुन के कमर मुशानी बड़ी तेजी नाल बदल चुका है और बदलना पे बहुत सारे मसाइल ऐसे जेरे अगे कौन हूँ मसाइल पैदा थी बहुत सारी ऐसी गल् जेरियां अगे साड़ी रवाज साड़ी रवायात शामिल हैं वह हूँ खत्म थी पवी नवी चीज़ा आनी पो पुरानी गल् खत्म थे वास्ते बहुत सारी चीज़ा नुकसानदेह साबित थी पवी चीज़ा आने वास्ते कई ऐसा चीज़ा जो नुकसानदेह हैं तो इन्होंने किस तरीके हैंडल करना है ये हूँ साडा समाज ना हक है और खास कर जो नौजवान हैं जेरे के किसी भी इलाके ने और सोसायटी ने रीढ़ की हड्डी नहीं हैसियत रखे ने ये उन्होंने हक हक बनना है कि वह आन और अपने माहौल को और अपने इलाके को बदलने विच जरा ना वो अपना किरदार अदा करें तो मेरे को उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला तो कल सिविल सोसाइटी ने इजलास इजलास आम है हर बंदा आ सकना है अपनी राय दे सकना है कल तकरीबन 2:30 बरोज इतवार गौरमेंट हायर सैकेंडरी स्कूल कमर मशानी ने बच्चे इंशाअल्लाह असा मिल सके उत्ते गप शप ही लसा और उत्ते कमर मशानी ने अवाम ने मसाइल हल करन वास्ते जरन उत्ते गलबात ही कर सा और एक ब्याह को तजवीज़ा भी दसा और कल ओदे भी कल जरन जरा बंदा ही विलिंगली होवे आ वने और इंशाल्लाह ताला काम करना चाहे उसको बाकायदा तौर पर ओदा दिता है सी और सारे रल मिल के ताजो असा अगू ते टुर सका जी शुक्रिया तुसा अपने सारी सिविल सोसाइटी ने जेरे अंबानी हैं असलम खान ने पूरी गल और जेरे मकासद हैं सिविल सोसाइटी ने वो भी सुन के दिन तो अपने मेज़बान असमतुल्ला न्याजी को दियो प्रोग्राम गपशप तो इजाज़त इंशाल्लाह अगले टॉपिक ते थोड़ा नाल मुलाकात थी सी अल्लाह हाफिज़।